अशोक मेहता, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। फेलियर और सक्सेस साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बिना फेलियर के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आपने काफी लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत फेलियर हुए हैं उनके साथ, और उन्होंने फिर गिर कर फिर खड़े हुए हैं। हमें उन शख्सियत के बारे में जानने की जरूरत है। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, हार ना हो जीवन में तो जीत का कोई अर्थ नहीं, जीत जाते हैं वो जिन्हें लोग कहते थे इनमें कोई समर्थ नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी जो पागल दिखता है वही इंसान कमाल कर जाता है। हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी में जो एजुकेशन है या जितनी भी चीजें सीख रहे हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। और मैं आज आपसे कुछ शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिन्होंने बहुत फेलियर देखे अपनी लाइफ में, फिर गिरे फिर उठे। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका हम डिस्कशन करेंगे। कितने लोग जानते हैं करोली टकास को? जानते हैं? ये हंगेरियन शूटर है, 1938 में ये एक अच्छे शूटर बन चुके थे और अपने देश के लगभग सारे के सारे मेडल जीत चुके थे। इनका एक सपना था कि ये 1940 में ओलंपिक जो होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल लेके आए अपने देश में और अपने देश का एक नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। लेकिन 1939 में ऐसा कुछ हो गया जो हमारे साथ होता तो हम लोग या तो डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते। वो एक आर्मी का जवान भी था, उसने एक्सरसाइज के दौरान उसके हाथ में एक ग्रेनेड फट गया और उसने अपना राइट हैंड खो दी। जिस इंसान की ताकत थी राइट हैंड, उसने अपना राइट हैंड खो दिया, अब वो शूटिंग कैसे करेगा? सारे देश को जब पता लगा, एक सन्नाटा छा गया, सदमा लगा लोगों को कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक शूटर है जो पूरी उम्मीद थी कि ओलंपिक में जाकर वो गोल्ड मेडल लेके आएगा। एक डेढ़ महीने के बाद में जब वो रिकवर हुआ, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तो उसने फिर दोबारा कॉन्सेंट्रेट किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि शूटिंग उसकी जिंदगी थी, ये वाज अ पिस्टल शूटर। तो उसने अपने आप को एक तरह से रिकलेक्ट किया और डिसाइड किया कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन जो मेरे पास है उसके बारे में सोचूंगा और उस पर काम करूंगा। दैट इज ओनली हिज ओनली हैंड, लेफ्ट हैंड। उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, 8-9 महीने हो गए थे प्रैक्टिस करते, तो उसको लगा कि अब जैसे तुम राइट हैंड से काम करते थे शूटिंग करते थे वैसे ही आप लेफ्ट हैंड से भी शूटिंग कर सकते हो। अब 3 महीने का समय बाकी था, उसने अपने आप को एक परफेक्ट शूटर बना लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ तनाव हो रहा था जो भड़वा का, उसकी वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गए। 1940 में जब ओलंपिक कैंसिल हो गए उसको बहुत ज्यादा निराशा हुई, क्योंकि वो पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहो तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है। 1944 तक उसने दोबारा अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, अपने कंट्री के जितने मेडल थे, आसपास के जितने टूर्नामेंट थे, सब जीते। फाइनली 1944 फिर वही हुआ, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर ओलंपिक कैंसिल हो गए। अब एक इंसान का टूटना जायज भी होता है, क्योंकि 1938 से 1944, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने काम को जारी रखा, उसने सोचा कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है, आज नहीं तो कल। 1948 में उसकी उम्र हो गई थी 38 साल और 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल। कितना फर्क आ जाता है एक एथलीट के लाइफ में 10 सालों में। नए शूटर आगे थे, यंग एनर्जेटिक आगे थे लोग जो कम्पीट करने वाले थे उसके साथ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप को तैयार किया कि मैं उसे कम्पीट करूंगा, और वो वहां पर जब पहुंचा पार्टिसिपेट करने के लिए तो बहुत सारे लोगों को देखकर ये सदमा लगा कि ये बंदा जिसका राइट हैंड नहीं है वो यहाँ क्या करने आया है। उसके पास गए, बोले करोली आप तो बहुत महान इंसान है जो हमारा जज्बा बढ़ाने आए हो। धन क्या जवाब दिया उसने? उसने बोला मैं आपका जज्बा बढ़ाने नहीं आया, आई केम हियर टू कम्पीट यू, आपसे लड़ने आया हूं और जीतने आया हूं। फाइनली उसने लड़ाई की, कंपटीशन किया, देन देयर इज ए हिस्ट्री कि उसने जीता विद हिज ओनली हैंड। तो ये जो हिस्ट्री क्रिएट की है उसके जज्बे ने की है, उसकी कंसिस्टेंसी ने की है, उसकी हार्डवर्क ने की है। एक बार फेल हो गए आदमी बैठ जाता है
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, वो यही नहीं रुका, 1952 में भी जाके उसने गोल्ड मेडल जीता। लगातार दो मेडल जीतने वाला वो अकेला खिलाड़ी था जो एक अपना राइट हैंड खोने के बाद भी उसने लेफ्ट हैंड से वो एक्टिंग किया जो बिल्कुल नामुमकिन था। तो नामुमकिन उनकी हिस्ट्री में कुछ नहीं होता है जो लोग अचीव करना चाहते हैं। तो आपके पास गोल, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस, ये चार चीजें जब साथ में इकट्ठी होती हैं तो कमाल होता है, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें जो आप स्टूडेंट्स से शेयर करेंगे जिनकी बिल्कुल अर्ली लाइफ है, स्टूडेंट्स का दिमाग एक कोरा पन्ना होता है, उसको जो आप लिखते हैं वही उनको समझ आता है। घर के अलावा सबसे ज्यादा वक्त वो अपने कॉलेज स्कूल में गुजारते हैं, जो जो पढ़ाया जाता है, जो जो सिखाया जाता है किताबों के अलावा वो उनके दिमाग में घुसता है। टीचर जो बोलता है, टीचर इज द ऑथेंटिक मीडियम, टीचर इज द ऑथेंटिक मीडियम टू लर्न एंड गेट सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी जगह ही नहीं है ना, या तो माँ बाप सिखाते हैं या फिर टीचर सिखाता है। तो टीचर्स का माइंड सेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। 10 लोग ऐसे होंगे आपकी क्लास में जो नहीं पढ़ते होंगे, बाकी 50 लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब उन 10 लोगों को 50 तक कैसे लेके आना है, ये आपकी जिम्मेवारी होती है। लास्ट के मेरे जो दो फेवरेट पॉइंट है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी अपने आप का कंपैरिजन किसी से मत करें। यू आर यू नथिंग। जिंदगी में हमने जिस दिन कंपेयर शुरू कर दिया, वो तो मेरी शादी था 4 साल पहले, मेरे से कुछ भी नहीं करता था, आज वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, आज वो ये कर रहा है। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपना अपना माइंड है, ये नहीं देखेगा कि 4 साल में उसने कितनी मेहनत की होगी, क्या किया होगा। ओवरनाइट तो कोई सक्सेस मिलती नहीं है, ये तो हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा, हमने पढ़ा है कि ये बंदा कोई फेल ही नहीं हुआ और सिर्फ पास होता चला गया और आज की डेट में सक्सेस हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दो एलिफेंट दोस्त होते हैं जंगल के अंदर, एंड थोड़ा सा अनपार्लियामेंट कह सकते हैं इसको, दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, कुतिया और एक हथनी। अब क्या होता है कि दोनों जो प्रेग्नेंट होते हैं 6 महीने के बाद क्या ने 10 बच्चों को जन्म दिया, 10 पपीज को जन्म दिया, और 6 महीने हो गए उसने फिर 5-6 बच्चों को जन्म दिया, ऐसे करते करते करीब 2 साल में 20 बच्चों को जन्म दिया, 20 पपीज पैदा किए। वो गई हथनी के पास, व्हाट हैपेंड, आर यू श्योर। तो हथनी ने क्या बोला, बैठ पर समझा दी, मेरा बच्चा जब जमीन पर लगेगा ना तो आवाज आएगी, जमीन उसको महसूस करेगी, हाथी का बच्चा है, जब वो निकलेगा सड़क पे तो लोग रुक जाएंगे, एडमायर करेंगे। आई एम नॉट गिविंग बर्थ टू अ पपी, आई एम गिविंग बर्थ टू द एलिफेंट। आप एलिफेंट है, बहुत सारे लोग आएंगे, मेरा तो हो गया, तो मेरा तो हो रहा, तेरा भी नहीं हो रहा, तो मेरा तो हो रहा। यू कैन से ओ मैं पपीज नहीं पैदा कर रहा हूं, एलिफेंट एलिफेंट तू जा, हो जाएगा। पब्लिक के किसी भी इस बहकावे में नहीं आना है कि आपको डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपको ये कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर उनकी बात मान ली तो समझ लो फेलियर आपका शुरू हो गया, और शुरू नहीं हो गया तो आप वहां खत्म भी हो गए। हमें उनकी बातों में नहीं आना, इसलिए सेकंड है रिस्पेक्ट, वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। वन थिंग, कोई एक टीचर मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर, एक मैं थोड़ी एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। आप आ जाइए। हाँ, ये 100 रुपए का नोट है, इस 100 रुपए की वैल्यू जो है 100 रुपए की ही है। अभी मैं इन भाई साहब को देख रहा हूं, इसको मोड़ा तरोड़ा दबाया, अभी कितनी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, एक कागज का टुकड़ा हमने तोड़ा मरोड़ा दबाया, आप तो इंसान हो, आपकी वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता है। बोस अपनी वैल्यू खुद समझो, अपनी इज्जत खुद करो, पहले आप अपनी इज्जत खुद करोगे तभी दूसरा आदमी करेगा। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, अपने आप को वैल्यू दोगे, यार मुझसे कुछ नहीं होता है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे को आगे कहीं नहीं लेके जाते हैं।